पहला संस्कार था हमारी वैदिक संस्कृति में गर्भाधान संस्कार। अगर घर में कोई संतान आनी है तो पहले उससे पहले माहौल बनाइए। भगवान श्री राम को देखिए, श्री कृष्ण को देखिए, माता पिता पहले तप करते हैं, भक्तिमय वातावरण होता है, संतों का संग होता है। और इतना ही नहीं, जैसे ही तीसरा मंथ लगता है फिर पुंसवन संस्कार होता है कि संतान बहुत संस्कारी हो। सेवंथ मंथ में आकर आज हमने गोद भराई के फंक्शन के लिए वेन्यू तो बहुत अच्छे अच्छे चुने, लेकिन आप में से बहुत से कम, बहुत ही कम लोग जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कुछ नेगेटिव शक्तियों के कारण सेवंथ मंथ सबसे ज्यादा खतरनाक होता है गर्भ में स्थित भ्रूण के लिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा सीमांतोन्नयन संस्कार कराइए, उन्नयन हो जिसमें। कौन सी ऐसी चीज है जिससे उन्नयन होता है? हम तो जो कुछ कर रहे हैं बाहर, वहां तो हमने कभी उन्नयन महसूस नहीं किया। उन्नयन समझते हैं जब आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अपवर्ड्स महसूस करते हैं, दैट टाइम, उस समय को उन्नयन काल कहा। और हमारे यहाँ ये बहन सीमांतोन्नयन में क्या करते हैं, घर की महिलाएं लड़की के जो बाल होते हैं उनको ऊपर की तरफ कर देते हैं, कहते हैं भाई सीमांत माने बाल, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर कर दिए। नहीं, बहुत गहरा मीनिंग था। वो जो नारी है वो आत्मज्ञानी होगी तो ध्यान के द्वारा